नमस्कार दोस्तों, प्रकृति के इस अनमोल खजाने में से आज हम एक दिव्य और चमत्कारिक जड़ी बूटी कसौदी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। कसौदी का पौधा कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सक्षम होता है। ये कसौदी का पौधा चर्म रोगों को दूर करने की एक सबसे कारगर जड़ी बूटी है। कसौदी लगभग सारे भारतवर्ष में खाली पड़ी भूमि और सड़क के किनारों पर आसानी से उत्पन्न होती है। ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। इसके पत्तों को मचलने पर कस्तूरी जैसी गंध आती है। इसके पत्र बालाकार और लंबे होते हैं और पीले रंग के सुंदर पुष्प लगते हैं। ये वात कफ शामक, पित्त सारक और हृदय के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। ये कुष्ठ मिटाती है, विष को दूर करती है और खून साफ करके रक्त विकार दूर करती है। ये हृदय के लिए काफी फायदेमंद औषधि है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। दोस्तों, ये चर्म रोगों को दूर करने की एक सबसे कारगर और विश्वसनीय औषधि है। ये पुराने से पुराने चर्म रोगों को दूर करने की सबसे कारगर औषधि है। इसके लिए आपको क्या करना है जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले कसौंदी के पूरे पौधे यानी इसके फल फूल बीज और पत्ते सबको समान मात्रा में लेकर पीसकर क्वाथ बना लें यानी पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और इस काढ़े का 20 से 30 मिली की मात्रा में सुबह शाम सेवन करें। दोस्तों, इस विधि से पूरे शरीर का रक्त शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, त्वचा रोग में सबसे जरूरी होता है शरीर की अंदर की सफाई। इससे खून की खराबी दूर होती है जिसके कारण अंदर से ही रोगों का सफाया होता है। इसके बाद इसके बीजों को इकट्ठा करके पीस लीजिए, फिर इसका लेप बनाकर दांत वाले स्थान पर लगाएं। दोस्तों, इसको रोजाना लगाने से 8 से 10 दिनों में ही दांत खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही इस पूरे पौधे के पंचांग का क्वाथ बनाकर पानी के साथ मिलाकर छान कर इससे स्नान करना है। इस पानी से शरीर के सभी अंगों को अच्छी तरह धोए और स्नान करें। दोस्तों, दांत के लिए इसका एक और भी प्रयोग है। इसकी जड़ को सिरके में पीस लीजिए, फिर नींबू के रस के साथ मिलाकर दांत पर लेप लगाएं। ये प्रयोग 8 से 10 दिनों तक लगातार करें। अगर पुराना रोग है तो लंबे समय तक इसका प्रयोग करें। जब तक इसकी दवाई चलती रहे तब तक खाने में खट्टी तीखी ज्यादा नमक वाली और तली हुई चीजों का सेवन न करें। दोस्तों, इस प्रकार से आप इस कसौंदी का प्रयोग करते हैं तो सभी प्रकार के चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का त्वचा रोग हो, दांत खुजली विसर्प या कंडू, ये जड़ से खत्म होते हैं और दोबारा नहीं होते। दोस्तों, ये श्वेत कुष्ठ में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए कसौंदी के साथ मूली के बीजों को समान मात्रा में लेकर दुगुनी मात्रा में गंधक मिलाकर पीसकर लेप लगाए। इस प्रयोग को रोजाना करने से सफेद दाग दूर होते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार से कटने से या चलने से घाव लग गया हो तो इसके पत्तों को पीसकर लगाएं, इससे घाव शीघ्र भर जाते हैं।